जी हाँ दोस्तों, अभी अभी बुढ़ापा पेंशन भारी बढ़ोतरी 5100 रुपए मिलेंगे। अभी अभी लाइव ऐलान किया गया है बुढ़ापा विधवा विकलांग पेंशन। सबसे बड़ी खुशखबरी अभी अभी आई है, वृद्धावस्था पेंशन लगभग 90% लोगों की फैमिली आईडी बनने से काट दी गई है, जिसमें परिवार की कुल आय एक सीमा से अधिक होने के कारण देखने से वृद्धावस्था पेंशन काट दी गई है। जबकि पिछले दिनों में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने आश्वासन दिया था कि पेंशन नहीं बंद की जाएगी, परंतु अभी तक वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन दोबारा बहाल नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी का स्पष्ट स्टैंड ने जिक्र, जिस प्रकार से जिन लोगों की पुरानी पेंशन चल रही थी उनके नाम पर से फिर जुड़े जाएंगे और जल्द ही उनकी पेंशन बहाल की जाएगी। भाजपा जेपी ने आने से पहले 5000 रुपए पेंशन देने का वादा तो किया था, उस पर भी पूरी तरीके से गौर नहीं किया गया है। अंत में सुखबीर सिंह मलिंग ने कहा है कि सीएम खट्टर इन नामों को बहाल नहीं करते हैं तो आम आदमी पार्टी इसके विरुद्ध प्रदर्शन भी करती रहेगी। तो दोस्तों जुड़े रहे आप सभी लोग हमारे साथ, हमारे वीडियो को अंत तक देखें, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।